जिले में साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने साइबर सेल के माध्यम से अपराधियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है, जिसके तहत शाहपुर पुलिस ने एटीएम कोड चोरी करके ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो अपने रिश्तेदार को ही धोखा दे रहे थे। पकड़े गए अभियुक्तों ने अब तक 3 लाख रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग खरीदारी की है, लेकिन शाहपुर पुलिस और साइबर क्राइम सेल के सक्रियता दिखाते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पकड़े गए अभियुक्तों में शाहपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर निवासी नवीन रिचर्ड, पुत्र स्वर्गीय जॉन फ्रांसिस और अभय डेनियल, पुत्र पीटर डेनियल शामिल हैं। इन लोगों के पास से ऑनलाइन खरीदारी किया गया टीवी, वॉशिंग मशीन एवं अन्य घरेलू सामान और 50,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद शाहपुर प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार शुक्ल, धर्मेंद्र सिंह, अजीत प्रसाद, प्रभाकर पांडे, साइबर सेल अपराध शाखा के कांस्टेबल शशि शंकर राय और शशिकांत जायसवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घटना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम आलोक वर्मा ने बताया, टीवी वाले तो सामने नीचे सामने लगा दो, इसको इसके पीछे कुर्सी लगा दो ना, सही रहा ये, कम से कम रिलीज हो जाएगी वादी के पास। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग लगातार साइबर क्राइम पर रोकथाम हित कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में एक श्रीमती मीना लॉयल की कंप्लेंट आई थी, जिसमें उनके अकाउंट से लगभग 3 लाख रुपए के आसपास ऑनलाइन निकाले गए थे और ऑनलाइन उससे परचेजिंग की गई थी। उसके प्रकरण की जांच हमारी साइबर टीम के द्वारा की गई और उसमें FIR पंजीकृत कराई गई। उसके बाद यह प्रकाश में आया कि उसके जो अकाउंट है उससे दो व्यक्ति, जिनके एक का नाम नवीन है और दूसरे का नाम अभय है, इनके द्वारा परचेजिंग की गई है ऑनलाइन। इनके द्वारा उनके ATM का कोड ज्ञात कर लिया गया, CVV कोड ज्ञात कर लिया गया और बैंक में भी इनके द्वारा जो है उनका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर था उनके उसको बदलवा दिया गया, जिससे उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में नहीं पहुंच पाई। और जब उन्होंने अपनी पासबुक अपडेट कराई, देन शी केम टू नो कि उनके अकाउंट से इतना पैसा चला गया है और उसमें परचेजिंग हो गई है। और हम लोगों की टीम ने लग करके दोनों एक्यूज से पजेशन से ये जो आपके सामने सामान है जो इन्होंने ऑनलाइन परचेज किया है, दोनों ने मिल करके वॉशिंग मशीन है, टेलीविज़न है, LCD है और कुछ सामान इन्होंने बेचा, जिसके बदले में इन्हें कैश की प्राप्ति भी हुई और जैकेट्स हैं, अन्य जो आइटम्स हैं वो सारे इनके द्वारा परचेज किए गए। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि जो दोनों एक्यूज्ड हैं ये विक्टिम के रिलेटिव, इनके द्वारा एक तरह से उनकी इस विषय में जानकारी कम होने का अभाव का लाभ उठाते हुए और उन्हें जानकारी नहीं दी गई और उनके साथ धोखाधड़ी करके ये सारा आपराधिक कृत्य कार्य किया। किस तरह कोड उनको ज्ञात हुआ था? उनका जब ATM आया, ATM खोला गया तो उसके पीछे जितना कोड था वो सब इनके द्वारा रीड कर दिया और उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं हो पाई। कितने दिन तक उनका जो चेक्स थे, जो उनको पेंशन मिलती है, उनकी जो चेक्स थे उन्हें बैंक में लगाने का कार्य, उनसे विड्रॉ करने का काम भी यही लोग किया करते थे और इसी क्रम में उनके सिग्नेचर करके इनके द्वारा बैंक में ये कार्रवाई करके कि इनका मोबाइल नंबर उसमें बदलवा। कितने दिनों तक के शॉपिंग किए हैं उनके अकाउंट से? लंबे समय तक किए हैं, 7-8 महीने तक।
कितने लोगों का शिकार बनाया है? शिकार तो वही श्रीमती मीना लॉयल ही हुई इनकी, और इनके द्वारा अमाउंट काफ़ी अच्छा खासा उनका ऑनलाइन शॉपिंग में दे करके बहुत सारा ये जो वाइट गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, ये खरीदे गए।